नमस्कार। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ सोशल वर्क के लिए भी हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कई जरूरतमंद लोगों की मदद की। इसके बाद भी एक्टर लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। बता दें, सोनू सूद अपनी माँ के लिए काफी इमोशनल है। हाल ही में उन्होंने अपने फैन द्वारा बनाए गए स्केच को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस दौरान उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखा। एक्टर सोनू सूद अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए नजर आए, जिसमें एक्टर ने एक फैन द्वारा बनाए गए माँ के स्केच को शेयर किया। बता दें, सोनू सूद के किसी फैन ने उनकी माँ की तस्वीर का स्केच बनाया, जिसे देख एक्टर भावुक हो गए। श्रद्धांजलि के रूप में बनाए गए इस स्केच में माँ को उनके द्वारा दी गई ट्रॉफी पकड़े हुए देखा गया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने बताया कि माँ की ओर से उनके लिए पुरस्कार मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इस स्केच पर एक्टर ने लिखा, ये बहुत खास है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी माँ को मेरी तरफ से कोई अवार्ड मिले। दुर्भाग्य से वो बहुत जल्दी चली गई। बता दें, सोनू सूद अपनी माँ को काफी मिस करते हैं। कई मौकों पर वो माँ को याद कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले एक्टर ने माँ के बर्थडे पर एक इमोशनल नोट लिखा था। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, हैप्पी बर्थडे माँ, काश मैं हर साल आपको व्यक्तिगत रूप से गले लगाकर शुभकामनाएं देता और जीवन के उन सबक के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे सिखाया है। महामारी के बीच अपने परोपकारी कार्यों से प्यार और प्रशंसा जीत रहे अभिनेता ने कहा कि कोई भी शब्द ये व्यक्त नहीं कर सकता कि वो अपनी माँ को कितना याद करते हैं। ये संदेश कभी व्यक्त नहीं कर सकते कि मैं आपको कितना याद करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, जब तक मैं तुम्हें फिर से नहीं देखूंगा। आप जहां भी रहें खुश रहें और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहें। लव यू मां। बता दें, सोनू सूद कोरोना काल में गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। एक्टर ने इस दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने से लेकर कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स से लेकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।